हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सुबह सुबह बिल्कुल अभी टाइम नहीं है बढ़िया से शूट करने वाला, तो बेटा के लिए मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो सूखा पनीर की सब्जी और इसके साथ गर्मा गर्म रोटी तो बना लिए, और इसके साथ मैं बाबू को रोटी दे देती हूँ तो खाते जाएगा और मैं उसे देते जाऊँगी। और ये फ्रूट्स अभी बोल रहा है कि खाने के बाद, तो ले गया और मैं जल्दी से बना लेती हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बेटा स्कूल चला गया, अभी आ गए वॉकिंग से, और ये लाए हैं मकई। और ये मकई के जो बाल है ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, गोल्डन गोल्डन, बहुत प्यारा लगता है। मैं तो जब छोटी थी ना, तो मैं इससे बहुत खेलती थी अपने डॉल के लिए ना, वो नकली बाल होते हैं ना, तो और क्राफ्टिंग में बहुत यूज़ होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आम है, पानी में डाल दी हूँ, और ये लौकी का बनेगा जूस। तो जल्दी से छील के कट कर देती हूँ ताकि हबी इसे ग्राइंड करके इसका जूस बना सके। तो कॉर्न का दोस्तों जो बाल होता है ना, उसका क्राफ्टिंग बहुत अच्छा होता है। पहले मैं एक दो चीज़ बनाई हूँ उससे, और उसके पत्तों से भी काफ़ी अच्छा चीज़ बन जाता है। तो चलिए, यहाँ पे जूस रेडी हो गया और पी लेते हैं इसे बैठ करके। जितने भी फ्रूट्स है, सैलेड है, सब कट कर लेती हूँ। तो अभी क्या है ना, अभी जैसे नहा हुआ की पूजा करके बैठ के फ्रूट्स पहले खाते थे ना, तो अभी क्या करते हैं, साथ ही के साथ सैलेड भी खा ले रहे हैं, और इनके साथ बैठ के थोड़ा चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रीन टी पी रहे हैं हम लोग, और मॉर्निंग में थोड़ा सा जब हबी रहते हैं ना, तो दूध वाली चाय या फिर आप उल्टा पलटा नहीं खा सकते, तो ये पहले जूस बनाएंगे फिर उसके बाद चाय। तो अभी गैया आई है, मैं जाके जल्दी से रोटी दे देती हूँ। तो अभी सावन का महीना है, तो नहा वहा के ही कुछ खाते, बस जूस और चाय पी लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो नहा के आने के बाद फ्रूट्स और जो मैं ब्रेकफास्ट बनाई हूँ बाबू के लिए, वही है और वो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गैया को रोटी दे दी, और एक रोटी बोले हबी को भी देने के लिए, और ये बहुत अच्छा मुंह में बढ़िया से खिला के दुलार करते हैं। तो मैं भी मुंह में ही खिलाई, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। एक बार क्या हुआ था, मैं खिला रही थी और गैया का पूरा, तो उसी समय से मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है। तो खिला देती हूँ बट थोड़ा डर लगता है। ये बहुत अच्छे से खिला के दुलार करते हैं। और यहाँ पर मेरे प्लांट, अभी बारिश हो रही है, मतलब दिन भर बारिश हो, और यहाँ देखिए दोस्तों अनार आज टूटेगा, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है, पक भी गया है। तो अभी को बोलेगी क्या किया जाए, तो बोले चलो इसे तोड़ ही लेते हैं। तो काफ़ी ऊपर है और खींच के आराम से टूट जाएगा। तो देखिए तो काफ़ी अच्छा साइज हो गया इसका। ये कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों, बहुत हेल्दी फ्रूट्स लग रहा है एकदम, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे तो जारी से रख दूंगी अभी। बहुत अच्छा हेल्दी लग रहा है देखने से। तो अभी तो गार्डन में है, और स्कूटी और ये सब धोएंगे, और इसमें पानी डालना है मुझे और फ्लावर डालूंगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं लगाई हूँ जेजे प्लांट, और ये प्लांट लग चुका है, तो एक ही लाई थी नर्सरी से। और देखती हूँ जब ये इसमें और भी ब्रांचेस जब निकल जाएंगे ना, तो इससे एक दो प्लांट और बना लूँगी। बहुत ही प्यारा लगता है, और दोस्तों बहुत ही प्यारा ये इंडोर प्लांट है। ये रबर प्लांट बहुत प्यारा है, इसका कलर है बहुत सुंदर कलर है। तो तीन वैरायटी हो गया है मेरे पास रबर प्लांट का। तो इसमें पानी चेंज कर लेती हूँ। तो ये जो पॉट देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं कामाख्या से लेके आई थी,
तो यही पाइप से मैं धो लेती हूँ। और बहुत ही प्यारा पॉट है दोस्तों, ग्रेनाइट का है और ब्लैक कलर का है, बहुत सुंदर लगता है। तो पॉट बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके नीचे देखिए दोस्तों, दो कंटेनर था मेरे पास ब्लैक कलर का, इसमें मैं ये स्नेक प्लांट लगा दी, छोटा वाला वैरायटी। तो इसमें से दो तीन हुए थे तो निकाल करके लगा दी यहाँ, और बहुत अच्छा यहाँ नीचे साइड में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और इधर हबीबपुरा गली से धोते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं ये पाम का प्लांट, इसके लीफ देखिए। बाप रे बाप, ये तो कितना बड़ा हो गया है। और जितना बड़ा ये होगा ना, उतना ही बड़ा इसका एक लीफ का साइज होगा। और कलर देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है। ये पाम का प्लांट को ना मैं दोस्तों गमले में लगाई थी जब लेके आई थी, और फिर मैं मिट्टी में लगा दी, इतना बड़ा हो गया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। बट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत हाइट ले लेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं सदाबहार का कटिंग लगाई थी इस गमले में, तो कटिंग लग गया है, इसी तरह अपने आप उगाया था। तो मैं कटिंग लगा के और इसे मैं साइड में रख देती हूँ, तो अभी इसका जगह नहीं बना है। तो ये खिड़की के पास मैं सारे प्लांट को नए तरीके से सब अरेंज की हूँ, और यहाँ पे ये बहुत सुंदर लग रहा है। और सबसे खूबसूरत तो मनी प्लांट लग रहा है, खिड़की का एकदम लुक चेंज कर दिया है। तो बढ़िया से जब मनी प्लांट ग्रोथ करेगा ना, तो ये एरिया को कुछ डेकोर करेंगे दोस्तों। और ये यहाँ पे चेयर रहता है ना, इतना बारिश होता है, धूल आता है, पूरा चेयर में बैठ जाता है। तो काफ़ी सुंदर हो गया ये वाला एरिया, बहुत अच्छा हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पीला पत्ता दिख रहा है, चलिए इसे हटा देते हैं। और ये मेरे प्यारे गणेश जी, और ये मनी प्लांट ना अभी बहुत छोटा था, देखिए डेली थोड़ा थोड़ा ये लंबा हो रहा है, कितना बड़ा हो गया। मैं जब इसमें फंसाई थी ना इसे इस तरह से, तो बहुत छोटा हाइट था, तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा। और यहाँ बिल्कुल परफेक्ट धूप मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ना बहुत कम। तो यहाँ मेरे जेल प्लांट भी अच्छे चल रहे हैं। तो अब मैं भी जाके बाकी का अपना क्लीनिंग का काम कर वर के दोस्तों शावर लेके और करूंगी पूजा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो आप दोस्तों पेट पूजा भी कर लेते हैं, तो बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खा लेती हूँ मैं। और फटाफट दोस्तों लंच भी बना लेती हूँ लगे हाथों। तो यहाँ पे बन रहा है नेनुआ का सब्जी, भिंडी का भुजिया, दाल चावल और पनीर की जो सब्जी बनाई थी वो नाश्ते में हो गया। तो दाल हो गया है, अब इसे उतार के मैं चावल बैठा देती हूँ और भिंडी का भुजिया और नेनुआ का सब्जी बना रही हूँ। और नेनुआ इतना ज़्यादा पानी छोड़ देता है ना, तो इसे सुखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बस इतना ही बनाना है और ये लगभग होने ही वाला है। चलिए दोस्तों आ गए हैं अपने प्यारे से गार्डन में और यहाँ हो रही है बारिश। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं अपने बारिश को एंजॉय करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।